अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके जरिए आप लोग अपने कंप्यूटर अपने विंडोज़ के जो है ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यानी कि अगर आपका कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है आपके कंप्यूटर के अंदर, आप बहुत आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके बहुत सारे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हैं तो वो भी आप कर सकते हैं सिर्फ एक दो क्लिक के अंदर। ठीक है, सारी विंडोज़ के ड्राइवर आपको आसानी से मिल सकते हैं इस वेबसाइट के ज़रिए। ठीक है, तो ये आपने कैसे करना है इसके लिए आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टोरी ये है कि भाई मुझे ये कंटेंट कैसे मिला, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मुझे कैसे मिली और मेरा जहन इसके ऊपर कैसे गया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस, कल मैं जो है दादा के घर गया हुआ था। ठीक है, दादा के घर में जो है दादा का मसला आया हुआ था लैपटॉप में। ठीक है, जिसमें जो है दादा का कन्फिगर नहीं हो रहा था, दादा का प्रिंटर उनके लैपटॉप से। ठीक है, तो दादा का चला गया था मैं, तो मुझे पता था इस वेबसाइट के बारे में और मैंने बहुत आसानी से जो है प्रिंटर का जो है ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, प्रिंटर का ड्राइवर उसमें इंस्टॉल नहीं था तो वो मैंने आराम से इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, मुझे ये पता था कि भाई प्रिंटर का ड्राइवर नहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सा प्रिंटर का कौन सा मॉडल है, ठीक है, और इसका ड्राइवर कौन सा होगा। ठीक है, ये सब मुझे नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि भाई ये प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है इसके अंदर। तो आप बहुत आसानी से जो है अपने ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो जब मैंने दादा को इंस्टॉल करके दिया, दादा बहुत खुश हुए और मुझे भी बहुत खुश हुई। फिर दादा ने मुझे इनाम दिया। ठीक है, अलग ही मज़ा आया। ठीक है, जब कोई बड़ा आपको इनाम देता है तो अलग ही मज़ा होता है यार। ठीक है, तो वहीं से मुझे कॉन्टेंट मिला। मैंने कहा वाह यार, कॉन्टेंट मिल गया, इसी के ऊपर वीडियो बनानी है अब। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एक वेबसाइट का, ठीक है, जिसका नाम है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। ठीक है, इसी के जरिए आप सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स। ठीक है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो एक सेटअप इंस्टॉल होगा। ठीक है, एक सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, इस सेटअप के ज़रिए ये होगा कि आपके जितने भी कंप्यूटर के जितने भी ड्राइवर्स होंगे सारे एक ही बारी में इंस्टॉल कर देगा। लेकिन थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लो एंड लैपटॉप पीसी वगैरह के लिए थोड़ा सा मुश्किल करेगा। ठीक है, तो इसको रन करने से पहले आपने क्या करना है, अपना एंटीवायरस, अपना जो भी आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया है कंप्यूटर के अंदर उसको डिसेबल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप डिसेबल नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, अपना एंटीवायरस डिसेबल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसका सेटअप रन करना है, वरना नहीं होगा। तो ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है, जिसके ज़रिए आप सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है टाइम भी लग जाता है। ठीक है, अच्छा खासा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई आपका कौन सा ड्राइवर मिसिंग है, ठीक है, जैसे मेरे दादा के लैपटॉप में जो है प्रिंटर का ड्राइवर मिसिंग था, ठीक है, तो वो मैंने इस तरीके से नहीं किया था। ठीक है, मुझे पता था कि भाई प्रिंटर का ड्राइवर मिसिंग है, तो मैंने बहुत आसानी से जो है उसको डाउनलोड कर लेता, उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा था। ठीक है, मुश्किल से एक मिनट लगा होगा बस। तो वो आपने कैसे करना है, ठीक है, आपने सिंपली आना है डिवाइस मैनेजर के अंदर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको प्रिंटर का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, डिटेल्स के अंदर जाना है और हार्डवेयर आईडियाज़ के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला जो होगा ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लेना आपने। और अगर आपको यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा तो आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है। ठीक है, और हार्डवेयर साउंड्स डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, यहाँ पे आपको प्रिंटर आपको मिल जाएगा, आपने राइट क्लिक करना है, उसी तरह प्रॉपर्टीज़ करना जाना है, हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़ डिटेल्स और हार्डवेयर आइडियाज़, और यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, और ज़्यादातर जो है मसला ये होता है कि भाई इंटरनेट का ड्राइवर नहीं होता आप लोगों के पास। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास अब आपके जो इंटरनेट एडेप्टर होता है उसका ड्राइवर नहीं मिल रहा होता, साउंड का जो है ड्राइवर नहीं मिल रहा होता, तो इसी तरह आपने करना है। ठीक है, जैसे कि ये रहा साउंड, ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है,
प्रॉपर्टीज़ कहना जाना है, ड्राइवर कहना जाना है, सॉरी डिटेल्स कहना जाना है, डिवाइस डिस्क्रिप्शन कहना जाना है, हार्डवेयर आइडियाज़ कहना जाना है, और यहाँ से जो है सबसे नंबर वन वाला जो होगा सबसे पहला उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, इसी वेबसाइट पर जाना है, ड्राइवर सर्च करना जाना है। बहुत कमाल की वेबसाइट है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई कोई पैसे नहीं लेगी आपसे। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि पैसे वगैरह भी लेती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं लेती, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया था, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली फाइंड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, डाउनलोड ड्राइवर, डाउनलोड जिप, ठीक है। डाउनलोड ड्राइवर में यही होगा जो हमने अभी पहले डाउनलोड किया था, ठीक है, यानी ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। लेकिन आपने क्या करना है, डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड जिप पे क्लिक करने से ये होगा कि जो आपने ड्राइवर सर्च किया है, ठीक है, साउंड का, ठीक है, वही इंस्टॉल होगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना है उसको, आपने की पे क्लिक करना है, और ये कुछ लंबी फाइल है 182 MB की, तो कुछ टाइम ज़रा लेगा ये। तो अभी हम वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है शो इन फोल्डर के अंदर, और हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यह एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको ओपन करना है आपने सिंपली, और यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सेटअप मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपने रन करना है। तो हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है सेटअप ये वाला है, ठीक है, ये आपने सिंपली रन कर लेना है, ठीक है। मैं इस वजह से रन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे ऑलरेडी सारे ड्राइवर्स जो है इंस्टॉल हुए हैं। ये अक्सर जो है मसला आता है ड्राइवर्स का विंडोज़ 7, विंडोज़ XP और उससे पहले के विंडोज़ वगैरह के अंदर, और विंडोज़ जो है 8 वगैरह के अंदर ये मसले आते होंगे, लेकिन विंडोज़ 8.1 10 के अंदर नहीं आते, क्योंकि इसमें फीचर है, ठीक है, विंडोज़ 10 वगैरह के अंदर कि ऑटोमेटिक सारी जो अपडेट्स वगैरह ऑटोमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। ड्राइवर अपडेट करना होता है, ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता, तो ये ऑटोमेटिक विंडोज़ 10 जो है सारी जितने भी ड्राइवर होते हैं सब इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन विंडोज़ 7 वगैरह का नई फीचर नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को उसी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, ठीक है, इसको ज़रूर यूज़ करेगा, ठीक है। और गाइस जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, ठीक है, उन लोगों को लग ही रहेगा कि यार मैं जो हूँ वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है गाइस कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी वीडियोज़ जो है मेरी उनमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, वीडियो बनाने में। अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, ठीक है, लाइक्स आ रहे होते हैं, व्यूज़ आ रहे होते हैं, वॉच टाइम मिल रहा होता है, सब्सक्राइबर्स मिल रहे होते हैं, तो जो है बंदा खुशी खुशी वीडियो बनाता है। लेकिन जब बात आती है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर यार थोड़ा सा दिल टूट जाता है, ठीक है। तो जितना हो सके यार आप लोगों से गुजारिश है, जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करो, मेरे चैनल को शेयर करो, ताकि थोड़ा सा हौसला मिल सके, फिर जो है हम वीडियो बनाएंगे, वरना जो है यार फिर वही जब दिल करता तो वीडियो बना लेता हूँ, वरना बस मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में, ठीक है, ये सीन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, और शेयर करने का तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है। और अगर नए हैं तो क्या करना है आपको पता ही है, ठीक है, लाल वाले बटन को जो करना है वो आपको पता है भाई, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।